हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको जो झारखंड पुलिस का है उसका बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। तो आप लोग कोई मतलब कमेंट करते हैं, लेकिन एक दो कमेंट करते हैं, आप लोग रिप्लाई कीजिएगा, ठीक ना। कि ऐसे है झारखंड पुलिस में कि जिसका वैकेंसी आ चुका है, ठीक ना, झारखंड पुलिस आ चुका है, तो उसमें लड़की का वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, उसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो और लड़कों का वैकेंसी मतलब ना के बराबर है, ऐसे कि देखने लायक नहीं है। बताइए, 1000 वैकेंसी है, 1000 कुछ है, तो ये ठीक ठाक लायक नहीं है। और जहाँ तक बात है, जो झारखंड पुलिस की बात छोड़ दीजिए कि इसका जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होगा, फरवरी मार्च में फॉर्म कंप्लीट होगा, ये वो बहुत कुछ है। उसके बाद 3-4 महीना मतलब आपका तैयारी, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, वो तो ठीक है, आप झारखंड पुलिस से कराइएगा। लेकिन आपने जो एक वैकेंसी निकाल के रखा उत्पाद सिपाही, उसका तो कुछ अपडेट आप लोग दे नहीं रहे। सरकार से मैं कह रहा हूँ कि उसका कुछ अपडेट नहीं है, झारखंड पुलिस के उत्पाद सिपाही का। उसमें ऐसा है कि 2-3 बार से बस फॉर्म भरा रहा है, फॉर्म भरा रहा है, मतलब पैसा बस दे के न्यू न्यू कैंडिडेट को जमा कर रहे हैं, जमा कर लिए न्यू न्यू कैंडिडेट को, जिसका जिसका उम्र हुआ। अब उसमें हमको जहाँ तक लगता है, तो हमको तो मेरा हमको लगता है क्या है, 100% नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये उत्पाद सिपाही। तो आप लोग इस बारे में कुछ बोलिएगा, क्या है क्या नहीं, और खासकर झारखंड पुलिस का वैकेंसी को भी लेके, कि इतना कम वैकेंसी तो नहीं आना चाहिए, मेरे हिसाब से ज़्यादा आना चाहिए। खैर, सरकार तो बोल रहा है कि हम ज़्यादा मतलब वैकेंसी निकालेंगे, नोटिफिकेशन निकालेंगे, तो मतलब ये क्या बोलते हैं आपका, वैकेंसी निकालेंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकालिए, अच्छी बात है। और लेकिन निकाल तो लीजिएगा, लेकिन उसको कंप्लीट भी कराइए, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कंप्लीट कराएगा भी, लेकिन उत्पाद सिपाही तो मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब, मेरा कहना है ऐसे किसी का कुछ आया नहीं है कि नोटिफिकेशन ये है वो, जहाँ तक मुझे मेरा मानना है कि उत्पाद सिपाही का तो होने से रहा। और बात यह है कि मुझे अब जैसे कि सीजीएल का जो बात आता है कि किस से लेके जो है, अब देखिए उसका होता है कि नहीं होता है, अब क्या है क्या नहीं मैं तो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आप देखिएगा, अगर नहीं होता है तो फिर बहुत अच्छा खासा तो प्रोटेस्ट होने जा रहा है झारखंड में इस चीज़ का। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखने भी चाहिए, क्योंकि आप लोग यंगस्टर्स हैं, पढ़ते लिखते हैं, पढ़ने छात्र वाले हैं, और सर्विस नहीं तो फिर कैसे होगा। अरे दिल कांप उठता है जनाब, जब आपका यूपी का सुनते हैं आप लोग, 60,000 वैकेंसी, इससे कितना गुना है बताइए। ये तो उसका 10% भी नहीं दिया, समझ रहे हैं, 60,000। समझ रहे हैं, 60,000 का 10% निकालिएगा, कितना होगा बताइए, आप ही लोग तो अब जान ही रहे हैं। तो 60,000 का 6,000 भी तो वैकेंसी के पास नहीं है, उसमें भी दिया है तो 4,000 कुछ, मतलब अप्रोक्स 5,000 है, लेकिन उतना तो नहीं होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, अच्छा खासा वैकेंसी आना चाहिए इसमें। इस विषय में मैं सोचा कि आपसे एक बार बात कर लूँ, कि आपका क्या कहना है, क्या राय है, क्या है, तो आप लोग अगर बताइएगा हमको भी ज़रूर, हम आपका कमेंट का इंतज़ार करते हैं कि आप लोग कमेंट करें, मैं ताकि उसको सुनूं। मतलब उस पास ही भाई ने तो मैं पैसा आप लोग एक ही बार दिया, लेकिन पैसा पैसा होता है, अब वो पैसा तो रिफंड होगा नहीं, रिफंड होने से कोई दिक्कत नहीं था, आपको लगता है पैसा रिफंड होगा, नहीं होगा, तो फिर मन मर्जी है, फिर इलेक्शन आएगा, आचार संहिता लगेगा, फिर हो गया। तो अब जहाँ जिस टाइप से सीएम अभी हर जगह मीटिंग कर रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट जा रहा है, ये कर रहा है, तो उसको इतना भी ध्यान होना चाहिए ना कि उत्पाद सिपाही का क्यों नहीं हो पा रहा है। एक वैकेंसी उसने क्लियर नहीं किया है आपका, लॉकडाउन ये वो, अरे करना होता तो अभी तक हो चुका होता। तो फिर आप लोग ऐसे नहीं कीजिए, अब मुझे जहाँ तक लगता है कि अब झारखंड पुलिस का हो ही जाएगा, क्योंकि इलेक्शन का इसके वजह से डर है, तो आप लोग झारखंड पुलिस का रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है कि, हमको लगता है जहाँ तक सिलेबस में बदलाव होगा, होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम दे रहा है सेंट्रल का नहीं, समझ रहे हैं। और यहाँ ऐसा नहीं कि नियमावली तो है नहीं कि मतलब झारखंड का, ओनली झारखंड का होना चाहिए, ये तो ऐसे जीडी जैसा लग रहा है हमको, सेम पेपर है ऐसे जीडी के साथ, या फिर एसएससी, मतलब कुछ भी एसएससी के साथ सेम पेपर है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। एसएससी क्या, एसएससी कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, इसको उठा के देख लीजिए, कोई 1% बराबर नहीं है। अब बराबर इसलिए भी नहीं है कि भाषा पेपर में हिंदी इंग्लिश वही है, तो फिर क्या चीज़, कोई अंतर नहीं है मतलब। और यहाँ का नियमावली भी तो उस टाइप का नहीं है कि नहीं केवल झारखंड का ही भर सकता है, नियमावली तो भारत का नागरिक, दिक्कत हर तरफ है, तो भी क्या कीजिएगा। इस चीज़ में तो कोई कुछ कह नहीं रहा है, मतलब लगा रहा है तो हो नहीं पा रहा है, तो यही सब चीज़ है दोस्तों। तो
तो आप लोग ऐसे है कि अब नहीं भी होता तो क्या कीजिएगा, होना तो है। आप लोग इस बार भरोसा कीजिए और एक बार अपना दौड़ में ध्यान लगाइए, ठीक ठाक से कीजिए, ताकि उम्मीद कीजिए कि इस बार आपका वैकेंसी क्लियर हो जाए और आप सबको एक अच्छा खासा सुनहरा जॉब मिल जाए, जिससे आप अच्छा से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ये रहा ये चीज़ का, और आप लोग इस टाइप से कीजिए ठीक से, तो फिर आप लोग का एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम निकलेगा। लेकिन जहाँ तक सिलेबस का बात है, मुझे तो कभी कभी झारखंड पुलिस का बारे में बात करने भी मन नहीं करता है, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ, करना पड़ता है। कभी कभी जैसे कि इसका आपका सिलेबस में भी दिक्कत है, उसमें भाषा पेपर में अगर 300 मार्क लगेगा तो 7% जुड़ेगा, ये क्या हुआ भाई, कुछ है ही नहीं है सब में, मनमर्जी टाइप में। लड़की का तो रनिंग का तो समझ नहीं पाता, 30 30 मिनट में हो पाएगा 5 किलोमीटर, ये तो मुझे तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। अब देखिए क्या कहिएगा, समय पड़ता है नहीं पड़ता है। पहले उत्पाद सिपाही में आप लोग देख लीजिएगा 40 मिनट है, तो आप लोग उस चीज़ को थोड़ा समझिएगा, देखिएगा, ताकि आप लोग अच्छे से उस चीज़ को समझें और करें और रनिंग को स्टार्ट करें। सिलेबस सिलेबस सब चीज़ देख लीजिए अच्छे से, ठीक ठाक से पढ़ लीजिए और आराम से आप लोग स्टार्ट कीजिए। कुछ भी सिलेबस में बदलाव होगा फिर भी तो इंग्लिश हिंदी इंग्लिश तो रहना ही है भाषा पेपर में, आपका मैथ रीजनिंग तो है ही है, जी सेंट्रल जीके भी तो झारखंड जीके भी आ ही जाएगा। तो जब तक कम से कम नहीं निकलता है नोटिफिकेशन अच्छा से, तो आप लोग झारखंड जीके को नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेंट्रल जीके को पढ़ते रहिए, रीजनिंग मैथ को बनाते रहिए, बस वही है। तो यही चीज़ आप करते रहिए तो आप लोग का भी हो जाएगा साथ साथ में, और बहुत अच्छा ही आप लोग एक मतलब अच्छा ही स्कोर कीजिएगा, झारखंड पुलिस को आप लोग पास कर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, और कुछ अगर बात रहता है तो आप लोग नीचे में कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका 100% रिप्लाई करूँगा।